बड़ी शुद्धता है पनीर में। और कैसे किलो चल रहा है चाचा जी पनीर? खाइए 250 किलो है। अच्छा जी भैया, दही का कारोबार है। कितने साल से? लगभग 100 साल पुराना है, हमारे बाबा के पिताजी का। और ये बताइए कितनी साल पुरानी जगह? 50 साल से करते हैं। भैया ये क्या बन रहा है जानना चाहेंगे? खोआ। खोआ? अच्छा खोआ बना रहे हैं क्या? जरा पास से दिखा दे कैमरा मैन हमारे। तो ये दोस्तों ये खोआ बन रहा है, और इस खोए से कौन सी मिठाई बनेगी? पेड़ा। तो ये सब लाइन से, एक मिनट एक मिनट, बहुत अच्छी चीज़ दिखी है, इधर दिखा दीजिए जरा। ये लाइन से जो रखी हुई है, देखिए दही रखी हुई है मटके में भर के, और इसको नदिया बोलते हैं यहाँ के भाषा में, नदिया ही बोलते हैं ना भैया? नदिया। नदिया में भर भर के दही रखी गई है। कि यहाँ पे फेमस क्या है इस गली में? गट्टा है, बताता है। क्या बन रहा है? ये बन रहा है पनीर है, पूरी है, खीर है जी। इसका प्रयोग कहाँ होगा? मतलब दुकानदार को? दुकानदार लोगों को लाएंगे। तो ये तैयारी है यहाँ पे। तो दोस्तों ये जहाँ पे हम खड़े हैं, ये देवरिया का दही मंडी कहते हैं, दही वाली गली, जहाँ पे दही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पे खरीदारी करते हैं। भाई साहब तो सो रहे हैं, ज़्यादा बात कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे देखिए चाचा जी दिख रहे हैं, इनकी दुकान लग रहा है काफ़ी पुरानी है, थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। चाचा जी आपका पहले तो नाम लेना चाहेंगे, ज़रा बताइए ये कितनी पुरानी दुकान है आपकी? इस पे क्या क्या सामग्री मिलती है? दही चूड़ा बिकता है। दही चूड़ा बिकता है, फेमस किस लिए है? दही चूड़ा। दही चूड़ा के लिए? तो दही मतलब कि अपने यहाँ खुद ही जमाई जाती है? गाँव से जमाई जाती है, गाँव से आता है। तो ये पूरी गली जो है दही गली? दही गली। अच्छा धन्यवाद, अच्छा मिल गया। अच्छा भैया ये क्या बन रहा है जानना चाहेंगे? खोआ। खोआ? अच्छा खोआ बना रहे हैं क्या? जरा पास से दिखा दे कैमरा मैन हमारे। तो ये दोस्तों ये खोआ बन रहा है, और इस खोए से कौन सी मिठाई बनेगी? पेड़ा। पेड़ा? तो ये सब लाइन से, एक मिनट एक मिनट, बहुत अच्छी चीज़ दिखी है, इधर दिखा दीजिए जरा। ये लाइन से जो रखी हुई है, देखिए दही रखी हुई है मटके में भर के, और इसको नदिया बोलते हैं यहाँ के भाषा में, नदिया ही बोलते हैं ना भैया? नदिया। नदिया में भर भर के दही रखी गई है। और यहाँ पे देखिए एक और दुकान, और इनका पहले नाम जानते हैं, गली तो देखिए दही गली है ही। भैया आपका नाम बताएं? शत्रुघ्न मंगेशकर जी की दुकान है। और कितनी पुरानी दुकान है जाना? बहुत पुरानी, तकरीबन 10 साल 15 साल 20 साल? 100 साल। 100 साल? अरे गजब, ये तो गजब। देखिए 100 साल पुरानी ये दुकान है, लग रहा है इनके पिताश्री भी इस दुकान पे मतलब सेवा देते रहे हैं। दादाजी भी थे? अच्छा मतलब पुश्तैनी दुकान है। तो मतलब क्या मतलब आपकी सामग्री मुख्य रूप से क्या है यहाँ पे सेल होता है? दही चूड़ा बिकता है। दही चूड़ा बिकता है। तो ये कैसे एक मटका कुछ आइडिया दीजिए लोगों को, आइडिया लगे कि जैसे ये पूरा नदिया, नदिया ही बोलते हैं ना, ये पूरा मिट्टी का जो बना होता है, तो ये अगर ये पूरा नदिया पूरी हांडी हमें चाहिए दही से भरी हुई, तो कितने का ये लेके जाते हैं लोग? कितना किलो होता है इसमें? 4 किलो 3.5 किलो 5 किलो ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये जो मटका है जो यहाँ पे गांव की भाषा में नदिया बोलते हैं, अगर इसको पूरा तोले, मान लीजिए 5 किलो हो गया, और 1.5 किलो का अगर ये नदिया है तो उसका माइनस कर देंगे, तो कैसे किलो चल रही है दही? 100 रुपये किलो चल रही है, और पुराना रेट है, और दही को देखते हुए लग रहा है कि काफ़ी शुद्धता है ना। कितना टाइम लगता है इसको जमने में? 3-4 घंटे में ये दही जम जाती है। तो आगे चलते हैं, एक भैया की दुकान और दिख रही है, तो यहाँ पर थोड़ा बात करते हैं। भैया आपका नाम पहले बता दीजिए। विशाल मदीसिया जी की दुकान है, और दही गली है। तो भैया आप भी दही का कारोबारी करते हैं? जी भैया, दही का कारोबार। कितने साल से? लगभग 100 साल हमारे बाबा के पिताजी का। जी इनके बाबा के पिताजी जब से करते हैं तब से ये दुकान चली आ रही है, और ये दही गली देवरिया है। देखिए दही की शुद्धता देखिए। और भैया कैसा चल रहा है कारोबार ये बताएं, थोड़ा सा भीड़ भाड़ चहल पहल कैसी है? ठीक ठाक है, खर्चा वर्चा अच्छे से चल जाती है। मतलब लोग आ रहे हैं, पहले के जितना ही आ रहे हैं कि थोड़ा कम हुए हैं?
पहले की जैसे ही आ रहे हैं, अब युवा आ रहे हैं कुछ खाने के लिए, लड़के वगैरह ज्यादा आ रहे हैं। तो दही का रेट जो है पूछना तो मतलब कि लाजमी नहीं है, क्योंकि सब जगह सेम होगी। जी जी, 100 रुपए किलो। जी ठीक है, मिलके अच्छा लगा मुझे। तो दोस्तों इस वक्त दही गली देवरिया और सबसे पुरानी दुकान पे हम पहुंच चुके हैं। तो चाचा जी का पहले नाम पूछते हैं। चाचा जी अपना नाम बताएं। सुभाष चंद। जी सुभाष चंद बताया चाचा जी ने अपना नाम। और कैसे हैं पहले आप ये बताइए। अच्छे। और नवरात्रि कैसी बीती है? बढ़िया बीती है। आज नवरात्र का आखिरी दिन है। बहुत अच्छी बीत रही है। जी आपको शुभकामनाएं नवरात्रि की। जी हाँ। और ये बताइए कितनी साल पुरानी दुकान? 50 साल से करते हैं। ओहो, मतलब आजादी के कुछ साल बाद। 74 साल की उम्र हो गई। 74 साल की उम्र होगी। 74 साल। और 50 साल दुकानदारी करते हैं। लगभग 50 साल पुरानी ये दुकान है। और आपका दही वही दही भी दही और चूड़े का मेन काम दही दुकान करते हैं। और पनीर भी बेचते हैं क्या? पनीर, तो पनीर दिखाएं जरा, बड़ा शुद्धता है लग रही है, बड़ी शुद्धता है पनीर में। और कैसे किलो चल रहा है चाचा जी पनीर? अरे खाइए, 250 किलो है। अच्छा 250 रुपये मार्केट में, तो इससे थोड़ा ज़्यादा है। चटके देखते हैं। खाइए। सॉरी, ये चाचा जी का प्यार मिला है हमें पनीर, इसे चटके देखते हैं। चाचा जी ने बड़े प्यार से दिया है। चाचा जी आप रख दें, हमें अच्छा नहीं लग रहा आप हाथ में लिए हैं। नहीं नहीं, हम लोग ऐसे ही टेस्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा खा के देखते हैं ये जो 50 साल पुरानी दुकान है देवरिया दही गली की और चाचा जी की, इनको भी दिखाते रहें क्योंकि बड़े मतलब 74 साल की उम्र हो गई है और बड़े ही अभी भी युवा दिख रहे हैं शरीर से, मतलब बाल बाल को सफ़ेद ऐसे हो जाते हैं। स्टाइल बढ़िया है। तो देखिए ये जो पनीर है वाकई लाजवाब है, जो रियलिस्टिक चीज़ है वो बता रहे हैं। वास्तविकता है कि ये पनीर बड़ा शुद्ध सा है, खा के मैंने देखा। और हमारे साथ मित्र और भी हैं, उनको भी चढ़ा दिया जाएगा। तो आपका पनीर बहुत टेस्टी है, आपने मतलब कैसे किलो बताया? 25-28 रुपये किलो है। 250 रुपये 250 रुपये किलो है। मार्केट में तो चाचा तो जी 350 रुपये किलो। 250 रुपये किलो है। 250 रुपये किलो है। तो सामान अच्छा बेचते हैं और पैसा भी अधिक लेते हैं। जी जी, तो कैसा चल रहा है भीड़ भाड़ का? इसका भीड़ भाड़ तो लॉकडाउन से बहुत मंदा चल रहा है, सभी लोग का मंदा चल रहा है। पेड़े भी बनाते हैं क्या? पेड़ बनाते हैं, रोज बनाते हैं, बिक जाती है। रोज बनाते हैं, रोज पेड़ा भी खा ली। तो चाचा जी ये जानना चाहेंगे जो पिछले साल मतलब लोगों की चहल पहल थी, इस साल भी उतनी ही है, कम नहीं, हो गई? कम है सर, कम है ना? कम है सर, लॉकडाउन से कम है सर। और मतलब कैसे, मतलब एक दिन का एवरेज अगर हम माने कि औसतन हम 5,000 या 6,000 7,000 कारोबार होता था? नहीं, पहले होता था, पहले एक दिन हमने होता, अब नहीं होता। 1,000 रुपये बिकना मुश्किल हो गया है। अब एक दिन में लगभग कितने का? 1,000 रुपये बिकना मुश्किल हो गया है। 1,000 रुपये भी मुश्किल से हो पाते हैं। हाँ, हो जाता है। लेकिन चलिए हम दुआ करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, सभी से मतलब आह्वान करते हैं कि भाई देखिए इस समय सर लॉकडाउन से भी बंद है। जी, तो हम ही और आप लोग के सपोर्ट से ये कारोबार चलता है और अर्थव्यवस्था संभलती है। तो आपसे ये मेरी अपील है कि ये दही गली है देवरिया की, पधारें, शुद्ध चीज़ों का सेवन करें। तो अब हम चलते हैं, आपको ढेर सारे खाइए, पनीर पेड़ा भी खाइए। जी बिल्कुल। तो दोस्तों इस वक्त अभी भी हम मौजूद हैं दही गली देवरिया। तो एक दुकानदार हैं, इनकी दही की शुद्धता को देखते हुए हमने सोचा कि एक बार इनसे बात कर ली जाए। तो भैया आपका नाम जानना चाहिए। ज्यूत मदेसिया बताया इन्होंने अपना नाम। और कैसी चल रही है दुकानदारी? दुकान तो बहुत बढ़िया चल रही है। और नवरात्र कैसा बीता आपका? बहुत अच्छा बीता है। और आज आखिरी दिन है, क्या कहना चाहेंगे भीड़ भाड़ के मद्देनजर? मतलब भीड़ भाड़ कैसी है, लोगों की चहल पहल अभी भी है? नहीं, उतनी नहीं है जितनी चाहिए, मतलब लॉकडाउन के हिसाब से लोग जैसे कि कहते हैं नवरात्र का आखिरी दिन है, आज बच्चे मेला घूमेंगे, तो ये वाला माहौल है कि नहीं है? नहीं नहीं, एकदम जनरल है, एकदम सामान्य। मतलब उतना जितना पहले क्रेज था, पहले था तो ये चाइनीज वायरस की वजह से प्रभाव थोड़ा सा कम हो गया है सब चीज़ों का। तो कैसे किलो दही चल रही है? वैसे ही जैसे गली में सबके पास चल रही है। कैसे किलो आप अपने स्वयं? 100 रुपया। जी 100 रुपये किलो यही चल रही है। लेकिन आपकी दही काफ़ी शुद्ध है, ये कितना घंटा लेती है जमने में ये बताएं? ये 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटा। और पनीर का रेट क्या चल रहा है? पनीर 260 चल रहा है।
ठीक है मदेसिया जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और इनके तीनों जो आइटम है ये शुद्धता को दिखाते हुए दिखा दीजिए, काफ़ी शुद्ध है। और देख रहे हैं आप ये दही है पूरी नदियाँ भरी हुई, देख के आपका भी मन ललचेगा, और ललचेगा तो ज़रा आप पधारें देवरिया में दही गली और मिले मदेसिया जी से। तो दोस्तों ये आखिरी हमारा मतलब फूटे सयाह का, और हम लोग आगे चलते हैं, आगे कहाँ से आप एंटर होंगे वो भी दिखा देते हैं। ये देखिए ये मेन रोड है, यहाँ पे नई बाज़ार इसे कहते हैं इस रोड को नई बाज़ार, और इस तरफ सब्जी मंडी की तरफ आप चले जाएंगे, यहाँ बैक साइड में एक जगह ट्रॉली लेके आ रहे हैं तो कुछ माल लदा हुआ है, तो ये ट्रॉली भी गुजर गई। तो ये मतलब सब्जी मंडी का एरिया होता है, छोटे छोटे पंडाल लगे हैं, तकरीबन 4 से 5 पंडाल हम लोग अभी देख चुके हैं। तो ये मेन रोड है जो आप पीछे दिखा दें, और यहाँ पे हम लास्ट टाइम भी आए थे, ये नई बाज़ार का मेन रास्ता। यहाँ से रेलवे स्टेशन कितना दूर है चाचा जी? आधा किलोमीटर यहाँ से, मतलब यानी कि 500 मीटर की दूरी रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे चहल पहल उतनी नहीं दिखी जितनी कि दिखनी चाहिए। तो यहाँ से अब मैं इस ब्लॉग को एंड करना चाहूँगा, तो यहीं से अब अपने ब्लॉग की समाप्ति करता हूँ।